हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेवंथ क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक की। सिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और राजस्थान जीके की जो बुक है वह भी आपकी चल रही है, वन लाइनर जो टेस्ट सीरीज है। साथ में मैंने आपको कंप्लीट बुक भी करवा दी है, वो भी अलग से प्लेलिस्ट दी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर आपके रीट प्री में तो आपके एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। और ये मैं आपको बता दूं, सिक्स से टेंथ तक की अगर रीट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप सिक्स से टेंथ तक की काफी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा रीट मेन्स की तैयारी करेंगे, सिक्स से ट्वेल्थ तक की बुक आप पढ़िएगा। आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो आप जो है वो ट्वेल्थ के साथ में ग्रेजुएशन की बुक पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं पीजी लेवल की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक तक का सहारा लेना पड़ेगा। और कुछ दिनों में ही सेकेंड ग्रेड नोट्स के साथ में आप लोगों को तैयारी करवाने वाली हूं सेकेंड ग्रेड की, और रीट का जो तैयारी है वो भी आपके साथ में चलेगी। लेकिन ये एनसीईआरटी बुक, राजस्थान जीके की बुक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेवंथ क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का, उसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो यहां पर जो है एक मैप दिया हुआ है, ये बहुत ही जो है वो पुराना बनाया गया है मैप किसी भूगोलवेत्ता के द्वारा। धीरे धीरे हमें जो ये मैप दिखाई देता है अपना पूरा एशिया महाद्वीप का दिखाई देता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है। तो ये जो मैप है यह 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो अंदाजे से बनाया गया मैप था। तो दुनिया के एक नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। मानचित्र एक है ये, और मानचित्र दो अभी हम देखेंगे। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने कब बनाया, 1154 ईस्वी में बनाया। यहां जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार है, जो पहला जो चित्र बनाया 1154 में वह बनाया अरब भूगोलवेत्ता ने, ठीक है। दूसरा जो चित्र बनाया उसके बाद उसी को देखकर फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में, तो इसमें कुछ चेंजमेंट आया होगा। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, यानी उन्होंने उल्टा नक्शा बना दिया। श्रीलंका का द्वीप जो है वो ऊपर की तरफ है, और जगहों के नाम जो है वो अरबी, ये देखो ये बनाया 1700 के लगभग, ठीक है। तो ये जो है ये तो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, आज का जो हमारा भारत है वो इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन पहले जो अल इद्रिसी ने बनाया वो उल्टा बना दिया, उन्होंने श्रीलंका जो है वो उत्तरी भाग में दिखाई दे रहा है। तो 18वीं सदी के आरंभ में क्विलाम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह महाद्वीप है, और यह कुछ कुछ जो है वो आज का जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी तरह नजर आता है। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी, यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है यहां पर व्यापार जो होता था तो यूरोप के जो नाविक हैं ये लोग आते थे, ठीक है, और जो व्यापारी हैं वो समुद्री यात्रा करने के लिए जो है इन नक्शों का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर देख सकते हो कि जो तटीय भाग था भारतीय उपमहाद्वीप का, इनको बहुत ही गहराई से जो है वो दर्शाया गया है, जिससे कि व्यापारियों को पता लग सके कि उन्हें जो है वो किस तट पर जो है वो आना है, पूर्वी या पश्चिमी तट पर आना है। इसी तरीके से जो है वो मैप के जो है जो आंतरिक भाग है उसमें भी देख सकते हो कि जो गंगा का जो मार्ग है वह दर्शाया गया है कि ये जो है वो गंगा का मार्ग है, गंगा नदी यहां से बहती है। तो जो नदियां जहां से बहेंगी तो वहां पर व्यापार के लिए जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। तो ये मैप का इस्तेमाल जो है इन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया।
पहले तो उल्टा मानचित्र बनाया, फिर उसी को देखकर जो है वो सीधा मानचित्र हुआ, जो कि आज के जैसा लगता है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ 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 क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। ठीक है, तो अभिलेखों की जो भाषा है, पहले जो है वो वैदिक संस्कृत हुई, फिर संस्कृत हुई, फिर पाली हुई, ठीक है, धीरे धीरे बदलती गई, फिर प्राकृत भाषा हुई ताकि सभी को समझ में आ सके। तो ऐतिहासिक अभिलेख जो है वो कई तरह की भाषाओं में मिले हैं। तो इसी तरीके से जो है ये हर चीज जो है वो समय के साथ साथ बदलती रही है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी आई है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द जो है इसको ही लीजिए, आज हम इस आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उनका आशय केवल भारत से नहीं, उनका तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से ही था। ठीक है, तो केवल इस क्षेत्र को ही उन्होंने क्या कहा, इतिहासकार जो फारसी इतिहासकार थे मिनाज सिराज, इन्होंने इस क्षेत्र को ही हिंदुस्तान कहा। लेकिन आज हम जो है हिंदुस्तान अगर शब्द सुनते हैं तो पूरे भारत के लिए इसको इस अर्थ में लेते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो ये जो है फारसी इतिहासकार जो था, इसने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो किन इलाकों के लिए किया, जहां दिल्ली के सुल्तान रहा करते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये देखिए जो भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो 1154 का जो वो मैप है उसे आपको ध्यान में रखना है, किस इतिहासकार के द्वारा जो है उस मैप को बनाया है। सबसे पहला जो मैप है वह अरब भूगोलवेत्ता के द्वारा बनाया गया। ठीक है, दूसरा फ्रांसीसी जो इतिहासकार है उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 13वीं सदी में जो है वो फारसी के इतिहासकार हैं जो मिन्हाज सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने जो है किस क्षेत्र को लिया, इन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र को लिया, ये याद रखना है। फिर फोर्थ लाइन में आप क्या नोट करोगे कि 16वीं सदी के आरंभ में जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने भी किया और उन्होंने इसके लिए भूगोल, जो उपमहाद्वीप का जो भूगोल है, पशु पक्षी हैं, यहाँ के निवासियों की जो संस्कृति है, इसका वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए यह प्रयोग जो है अब 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द जो था हिंद, इसके ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो आप केवल जो है बाबर की बात को ध्यान में रखेंगे, मिनाज सिराज की बात को ध्यान में रखेंगे। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, तो विदेशी हम किसको कहते हैं, जो भारत का नहीं होता है उसको हम विदेशी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान, यानी कोई अनजान व्यक्ति है ना, उसको जो कि उस समाज का, उस संस्कृति का नहीं है, उसको कहेंगे विदेशी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि पहले जो है वो मध्य युग जो था उस समय विदेशी किसको कहा जाता था, जो भी किसी गांव में आ गया अनजान व्यक्ति, उसको कहा कि ये तो विदेशी है। लेकिन आज हम विदेशी किसको कहते हैं, जो भारत का ना हो। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहा जाता है, परदेशी, फारसी में अजनबी। तो ये पर्यायवाची शब्द है, इनको ध्यान में रखिएगा। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाला दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यानी एक गांव से दूसरे गांव में रहने वाला
जो व्यक्ति है वह विदेशी कहलाएगा। एक ही गांव में जो अलग अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ अलग अलग जाति से है उसे नहीं कहेंगे विदेशी। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया और बड़े बड़े पैमानों पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में जो है कागज का उपयोग करने लगे। यानी बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें थी उनमें कागज का उपयोग होने लग गया। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं आप लोगों के लिखने के लिए इस पैराग्राफ में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखागार किसे कहा जाता है। तो यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है ताकि भविष्य में जो है वो सुरक्षित रह सके और पास्ट के बारे में जो है वो जानकारी और लोगों को मिल सके। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये अर्थ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभिलेखागार क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता है। ठीक है, देखो एक ही वजह होती है याद ना होने की। जब हम किसी चीज को अधूरे में याद करेंगे, ठीक है, केवल हाई जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे मैंने यहां इंपॉर्टेंट ये कर दिया अभिलेखागार, केवल इसी को आप पढ़ लेंगे, बस इतना ही। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये लाइन जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, तो आपने केवल इसी को पढ़ लिया और बाकी चीजें जो है हाईलाइट नहीं की हुई है तो इनको गौर ही नहीं किया, देखा नहीं। ये याद तो हो जाएगी आपको लेकिन कुछ समय तक ही याद रहेगी, आप इसको भूल जाओगे। एग्जाम में जब ऑप्शन चार आएंगे एक जैसे लगेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा और भी ऑप्शन ऐसे लगेंगे, ये भी हो सकता है इसका आंसर। और एग्जाम में ऐसा ही हो जाता है कि क्वेश्चन भी हमें समझ में आता है, चारों ऑप्शन भी हमें लगता है, चारों ऑप्शन भी हमने पढ़े हुए हैं, बट एकदम सटीक आंसर इसका क्या हो सकता है। ठीक है, और आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कंप्लीट पढ़ना, क्योंकि कोई भी कहानी है अगर उसका बेस ही नहीं पता होगा आपको और एंड तक आप उसको देख लोगे तो अधूरी चीजें जो है वो बताने में भी समस्या आती है, उसको लंबे समय तक याद करने में भी समस्या आती है। एक मूवी अगर आप देखते हो अधूरी में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ था, लेकिन आप शुरुआत से देखते हो, अंत तक देखते हो और आपसे वो है एक महीने बाद भी पूछी जाए, एक साल बाद भी पूछी जाए, तब भी आप कहोगे कि हाँ मैंने ये देखी थी और इसमें इसके आगे क्या होगा ये भी मुझे पता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिमाग तो हमारा पहले भी वही था, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तब भी वही है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने वहां तो मन लगाकर हमने उसको देखा, लेकिन यहां हम मन लगाकर जो है इसको पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट जो किए हुए हैं केवल इनको पढ़ के चले जा रहे हैं, जबकि एक बार तो हमें इसको कंप्लीट डिटेल में जो है वो इसको पढ़ना चाहिए, हर एक लाइन पढ़नी चाहिए चाहे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो। ठीक है, और बाद में जब रिवीजन का टाइम होता है जब आप इन इंपॉर्टेंट लाइन को जो है वो देख सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। और वैसे आप जब कंप्लीट पढ़ते हो तो आपको आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही समझ में भी आती हैं और याद भी हो जाती हैं, इसलिए आप इनको पढ़ते चलिए। ऐसा मत सोचिए कि बहुत बोरिंग है और इसमें से कुछ ही लाइनें जो इंपॉर्टेंट मिलेगी तो हम क्या करेंगे, वन लाइनर जब आएगी तब केवल हम उसको देख लेंगे, तो आपके लिए जो है ये शॉर्टकट गलत है और एग्जाम में जो है वो बच्चे जरूर मात खाते हैं जो शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। डिटेल में पढ़िए, टाइम जो है उतना ही लगता है डिटेल में भी और टाइम
उसमें भी और ज्यादा लगता है जहां आप शॉर्टकट अपनाते हो, क्योंकि उनको आप तीन चार बार रटते हो। यहाँ आप एक बार पढ़ोगे, दो बार जो है वो आप वीडियो को देख लोगे और तीसरी बार वन लाइनर करते हैं तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। इसलिए कंप्लीट पढ़िए, हमेशा से बोलती हूँ जो कंप्लीट पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति, ठीक है, फोटोकॉपी जिसे हम कहते हैं आज, प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट ही समझ में नहीं आती होगी। तो जो नकल नवीस थे, लिपिक थे, उनको भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जो पुरानी पांडुलिपियां हो जाती थी तो उनको जो है दोबारा से जो है वो अच्छे से जो है वो लिखना चाहते थे ताकि ये सुरक्षित रह सकें, तो उसमें भी उनको बहुत परेशानी आती थी। और जब दूसरे की राइटिंग समझ में नहीं आती थी तो वो अपनी भाषा का भी प्रयोग कर देते थे, जिससे ओरिजिनल जो चीज होती थी उसमें भी थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, ठीक है। अब अंतर आना तो स्वाभाविक है, जब राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो हम उसको अपने अनुरूप ढाल देंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है कि इस लिपिक ने जो भी प्रतिलिपि दी है वही उसी को सच मानना पड़ेगा। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए प्रतिलिपियां हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। फारसी भाषा में जो है आप ये जो है लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इतिहासकार, ये लिपिक है, यह एक जो है वो लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये एक जो है वो पांडुलिपि है, ठीक है, और इसी को जो है इसमें नकल करके उतार रहा है। तो ये अब अपने तरीके से, जब उसको समझ में नहीं आएगा तो अपने तरीके से जो है इसमें कुछ शब्द तो डाल ही देगा, ठीक है। कई बार लेखक जो है स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो हैं जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके दो वर्ष बाद लिखा गया, ठीक है। तो पहली बार जो इन्होंने 1356 में लिखा, फिर इनको जो अपने वृत्तांत, अपने खुद के ही वृत्तांत में जो है कुछ कमियां लगी तो इन्होंने उसमें कुछ चेंजमेंट किया और फिर उसमें और भी चीजें ऐड की। दोनों में अंतर ये है, लेकिन दोनों में ही अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की ही जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाई ओर, अभी मैंने आपको जो दिखाया था मैं वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिकस्त लिपि अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 14वीं शताब्दी के तो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने पहला वृतांत 1356 में लिखा और उसके बाद जो है दोबारा संशोधन किया अपने ही वृतांत में दो वर्ष बाद। नेक्स्ट देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, क्योंकि जो समुद्री व्यापारी होते थे, नाविक होते थे, वह एक जगह से दूसरी जगह चलते थे,
तो यहाँ पर जो है कई चीजों का जो है व्यापार होने लगा, कई चीजें आई कई चीजें गई भी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन जो है वो जो नई टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकियां हैं, फसलें, उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को जो है वो लेकर आया, यहां से जो है नई चीजों को वो अपने जो है एरिया में लेकर भी गया। तो अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानोगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। तो ये देखिए यहाँ पर एक रहट का चित्र है जो कि सिंचाई में प्रयोग में ली जाती थी नई टेक्नोलॉजी। इस काल में यहाँ पर देखिए ये सिंचाई के लिए प्रयोग में ली गई। इस काल में महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है, अब ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है। राजपूत जिसका नाम राजपुत्र था, राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही कि राजपूत जो है वह किसे कहा जाता था, राजपूत जिसका नाम राजपुत्र से निकला हुआ है। इसमें केवल राजा नहीं बल्कि सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी शामिल होते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व जो है हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया। तो आज हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, हाईलाइट भी कर दी है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमें जो है इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, चैप्टर हमको डिटेल में पढ़ना ही होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको दोबारा से देखिएगा। थैंक यू।